पार्ट फाइव भाग पंजवां नशे ते लगना। बस फिर जिदा ही भंगड़े का दौर खत्म होया इस तरह लगा कि जिमें सब रुक जा गया सी, कुछ करनो ही नहीं सी यार। कॉलेज जांदा तां उत्थे भी बोरिंग, भंगड़े वाले हुण यार दोस्त तां बन गए सी पर मेरे मन च कुछ होर करन दी तांग सी। की अलग कीता जावे, की कीता जावे, की कीता जावे। हुण बस फिर की सी, किताबां नाल दोबारा तो दोस्ती करन दा फैसला लिया ते काम ते दोबारा लगन दा। काम करना मैनू हुण पैना ही सी क्योंकि हुण काम करके मेरी जेब विच कुछ पैसे होण लगे सी, जो काम तो बिना मैनू किसे तो मंगने पैंदे ते ओ मैनू चंगा जिहा ना लगदा। फिर किताबां पढ़ते पढ़ते ख्याल आया सी कि क्यों ना कॉलेज विच हुण अपने यारां दोस्तां नू अपने लिखे हुए गीत सुणावां, तां ही मेरी होर गलबात होएगी, कॉलेज विच भी मशहूर हो जावांगे। क्योंकि मैं लिख सकदा सी, इदां मैनू हले भी कदे कदे वहम हो जांदा भी मैं वधिया लिख लैना। फिर इसे घेंट बनन दी आस च मैं अपने यारां दोस्तां नू कंटीन बिठा एक दिन कहा कि थोनू अज मैं अपने लिखे हुए गीत सुनाउणा। मैनू इदां सी कि आवाज़ तां मेरी हुण वधिया हो गई सी, कुछ बोलियां पा पा के ते जद मैं अपनियां तर्जां ते गीत सुनाऊं ये पागल हो जाणगे कि ये कुछ अलग है। साढ़े सब तो इस लई असी मामे तो चाह मंगाई ते मैं क्या तैयार हो जो भी अज थोनू गीत सुनाने, अपने लिखे हुए ते बस फिर की सी। साढ़े वाले ने तो मोबाइल भी कढ़ ले भी वीडियो बनाइए कि अज बब्बू कुछ सिरा लाउण लग्या। जद मैं अपना लेटेस्ट गीत लिखिया उन्होंने सुनाया जिदे बोल सी रब्बा मेरे रब्बा मेरी मां दा ख्याल रखी मेरे तुर जान पिछों परदेस रब्बा रब्बा ओए रब्बा रब्बा ओए रब्बा। तां सब चुप ही रहे। फिर विच्चों कोई साडा सीनियर बैठा सी, उहने कहा कुछ होर सुना। उदों तक सब ने मोबाइल जेबां विच पा ले सी। फिर मैं सुनाया कि मां बोली दे तारे सदा आसमानी जगदे रहने ने। ਇਹ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 15 ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁਣ 5 ਹੀ ਬਚੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 5 ਆਪਣੇ ਫੈਨ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸ਼ਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ। ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪ ਲਿਖਣਾ ਛੱਡ, ਐਵੇਂ ਰੋਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਬਸ ਬੋਲੀਆਂ ਹੀ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਜਮਾਂ ਸੁਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀਰੇ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਭਿਖਾਰੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਆ, ਕੁਝ ਗੱਲ ਸਿਆਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਮਸ਼ੂਕਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖ, ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਦੂਰੂ 'ਤੇ ਲਿਖ, ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ 'ਤੇ ਲਿਖ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਬਸ ਚੁੱਪ ਪੱਟੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਲ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪਿਆ ਸੀ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ
मैं बैठा सी उस तो भी ज़्यादा ठंडा होया। फिर बस मैं सोचा भी गल तो बई सही ही कह के सियाने जे गाने काल जाने क्यों सुन गए। बंदा उही सुनना पसंद करना करदा जो उनू लगे उदे नाल होया। जिवें मैनू शहरी मान सुन के इदां लग्या सी कि ये मेरे लिए ही गा रहा। साढ़े ते ही आए तो फिर की सी उस दिन पता लग्या कि शिवजा पाश वांगू लिख के नहीं चढ़ाई होनी। अपनी कविता ते गीतां च फर्क हुंदा, बस किताबां नू अपने शौक लिए ही पढ़, गीत उहो जिहे लिख जो सब नाल लगदे होण। फिर की सी कम ते गया ते गीत सुनी गया ध्यान नाल जिहड़े स्पीकरां ते चलदे सी। फिर दोबारा उही ख्याल आया कि इहदे च कोई औखा शब्द नहीं वरतिया, सौखे शब्दों वाले गीत छेती पल्ले पैंदे आ। पर किनू पता सी कि ये गलती नहीं करनी चाहिदी। यही सोच के बहुत चंगा लिखण वाले भी अपनी लिखणी का म्यार सुट लैंदे ने, जो मैं भी किया। मैं उस दिन ही पहला सोचा अज कोई गीत लिखदे आ जो सब नू पसंद आवे। मेरे यारां दोस्तां नू फिर मैनू याद आया शिव भी पी के लिखदा सी, साहिर भी ते पाश भी। मैं क्या जे इना अंग लिखना ही है, नहीं तो की है इना नू जिन्ना मशहूर होने लई तां मैनू इना वांग ही जिउणा पैणा। मैं अद्धी बोतल पीती ते लिखण बैठ गया। फिर गीत लिखिया यार तेरा अधिया पी के मंजे ते सैट हो के पै गया नी। गीत च उही कुछ लिखिया जो कुछ उस टाइम मैं महसूस कर रहा सी। ते अगले दिन जब दोबारा जाके मैं अपने यारां दोस्तां च जाके ये गीत सुनाया, सब ने बहुत सलाया यार। एक दो ने कहा यार बब्बू मोबाइल च रिकॉर्ड कर जा, असी भी पी के सुनिया करांगे। मैं बहुत हैरान होया कि यही लोग कल माँ वाला गाना सुन के उठ के चले गए सी यार, ते अज ये रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरे ही गीत नू। साला यह की किस्सा। फिर सोचा ता ही शिव होनी जां साहर होनी नशा करके लिखते सी। साला जेड़ी चीज नशा करके बने ना उहदे च असर हुंदा। आपां फिर काम ते गए ते उस दिन फिर पीती, उस दिन ही नहीं हफ्ता लगातार पीती। हुण कई बार काम ते भी शराबी हो के खड़े हुंदे सी। मैनू लगना आपां शिव कुमार हां, अपना काम तो बस थोड़े टाइम च दुनिया नू घेंट घेंट लिखता दे के ते फिर मर जाना दारू पी पी के, क्योंकि जो बन रुत्ते जो भी मरदा फुल बनता जा तारा। जो बन रुत्ते आशक मरदे या कोई करमाल, आही तो कहिंदा सी मेरा यार, ते कीता भी उहने उदां ही। ते चढ़ाई अज तक सी बाबे दी, यानी कि शराब बहुत जरूरी है लिखण लई। ते फिर एक दिन यारां दोस्तां च बैठा अपने ठेके दी दुकान बारे दस रहा सी, यानी गीत सुना रहा सी, के विचों एक बोलिया बब्बू तू सिरा ही लिखदा है। यार बस बई सिरा हो जू, किस दिन सुलफे ते भी लिख। मैं सोचा हुण ए सुलफा की हुंदा यार, फिर किस तों पता लग्या सिगरट वर्गा हुंदा। मैं सोचा लिख दिना अज जाके, ते फिर साहिर दा गाना याद आया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। फिर ओदी जीवनी याद आई अमृता दी, जिस च वो कहिंदी है कि मैं साहिर दे जान मगरों उस दियां सिगटां पींदी सी। आपां कहा भी यार बब्बू तू भी कमला ही है, तैनूं हुण तक यही नहीं सी पता गीत लिखण लई सिगरट भी बहुत जरूरी है। ते बस फिर की सी
दुकान ते गया ते कहा भाई सिगरट दो, जेब च मेरी 100 रुपये भी बस इन्ने कु दी आ जाए, क्योंकि दारू तो 300 दी आउंदी सी। जदों ने कहा केड़ी, मैनू की पता सी मैं केड़ा पींदा, मैं कहता कोई दे दे यार। उन्हें मैनू पहली यार गोल्ड फ्लैग दिती, तो मैं चक्के तो लाइटर नाल बाल के कश खिचिया तो छड्डता। मैं क्या काम तो सौखा ही है, तो फिर की सी ऐदा ही सारी पी गया, पर मूँह च छड्डी गया। फिर गीत लिखण बैठिया तो सोचा हुण इहदे ते की लिखा, कुछ होया जाता है नहीं, एवें तू जे ने उल्टा मुश्क लैदा आउण लाती। फिर मैं कहा शायद पहली बार च नहीं हुंदा, रोज़ पीणियां पैणगियां। तो मैं उस दिन गीत ना लिखिया तो नैट चलाउण लग्या। कुदरती मेरे अगे एक शायर का बहुत सोहना शेर आया, लिखिया सी कि अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। बड़ा बंब लग गया शेर, नालों दी फोटो भी सी, ओह पतंदर भी सिगरट फड़ी बैठा सी। फोटो कराई फिरदा सी एवें। मैं क्या हाँ जी, देखिया आ उस्ताद भी लई बैठा, यानी आपां भी जे बंब लिखना है बहुत जरूरी आ। अगले दिन मैं कॉलेज गया तो उही सुल्फे दी फरमैश वाले नूं बुलाया कि भाई पहला मैं दारू नहीं सी पींदा ज़्यादा, जब दारू पी के दारू बारे लिखदा तो स्वाद ही आ जाता सब नूं, तू मैनू सुल्फा पिला, मैं तां ही सुल्फे बारे लिख सकूँ। वह भी खुश हो गया। असी कॉलेज के बाहर आए खोखे ते गए, 2 सिगटा लईयां, उन्हें दस्या सुल्फा तो अज मेरे कोल है नहीं, ये भी उहदा एक छोटा रूप हुंदी है, ये पी फिर देख नज़ारे गीतकारा। कहिंदा आ पी फिर देख नज़ारे गीतकारा, गीतां भज्जे आउणगे। बस फिर की सी आपां बाली ते कश खिच के छड्डता। उन्हें कहा आ की करदा ओए, मैं क्या क्यों, फिर उन्हें कहा ये समान बाबे अंदर तक लैके जा। मैं क्या केड़ा समान, उन्हें दसिया ए धूआ। जब मैं लैके गया मैनू तो हथू आ गया, खंघ ही ना रुके। फिर उन्हें समझाया हाले पहली बार आ शेरा, बाली जोर ना ला, हौली हौली खिच। फिर जब मैं गल मन के कीता प्रोसैस शुरू, सिर लग गया, प्रधान जी मेरा घूमण, मैं अद्धी तो वध अद्धी तो भी घट पीती कि इदां लग्या बेहोश हो जाऊं। मैं सुट के पैर नाल मिद के सीधा कॉलेज वल नूं तुर पिया। कॉलेज जाके बैठा तो पहला तो होर जे ही कुछ होई जावे। फिर मैं पानी नाल मूँह धोता तो कम ते चला गया। रात नूं कम तो बाद मैं फड़ी सिगरट खोखे तो दोबारा कि कोई नहीं मित्रा, मशहूर होने लई तसीहे तो झलणे ही पैणे आ। बस फिर मैं अद्धी कु पी के गीत लिखिया, तेरे नाल देखियां जो फिल्मां दियां टिकटां, देख रोया बड़ा नाले पीतियां मैं सिगरटां। ये गीत जाके जब मैं कॉलेज सुनाया मेरे वाले तो पागल ही हो गए, भी बब्बू वर्गा लिखारी तो पंजाब को जिमें है ही नहीं सी। जड़े नहीं पींदे सी वह भी रिकॉर्ड करके लैके गए, जड़े पींदे सी वह तो पागल ही हो गए सुन के। बस उस दिन आपां नूं पता लग्या कि बब्बू नशे पत्ते वाले गाने लिख ता ही मशहूर होवांगे, ता ही अपने गीत आउणगे, ता ही अमीर भी होवांगे ते चढ़ाई भी पूरी होगी। बस फिर कॉलेज दे पहले साल दा अंत हो गया। फिर दूजा साल चढ़न च 2-3 महीने दियां छुट्टियां सी, मैं अपनी सारी तनखाह दियां किताबां खरीदियां, जिदे च मंटो दी जीवनी, रजिंदर बेदी मेरा दागिस्तान, असली इंसान दी कहानी,
मां गोरकी दी आद दुनिया दियां टाप दियां किताबां ते लिखण वाले चक लिया आ। दो महीने सुनने वाला कोई नहीं सी, बस आपां काम ते ही जाना हुंदा सी। शाम नूं तां लिखिया नहीं बड़ा, लिखता मैं उदां ही सी जदों मैनूं कोई सुनने वाला उड़ीक रहा हुंदा सी। फिर की सी, किताबां पढ़ी गया, जिहड़ी किताब खोलां लिखण वाला सिगटां पी जावे, दारू भी पीवे, ते लिखतां इन्नियां कमाल दियां कि लगे ये मुद्दे से तो किसी ने कदे छेड़े ही नहीं। यार मंटो की लिखनी च इन्ना नंगा सच मैनू होया, मैनू होई जा करे पढ़ के इन्ने सीधे तौर पर नंगे लफ्ज किवें इस्तेमाल कर लेंदे ने, इन्ना बेबाक किवें सी। मैं भी अपने गाने च हुण नंगे लफ्ज इस्तेमाल करने चाहुंदा सी। फिर जब दुनिया की सब तो मशहूर किताब मेरा दागिस्तान का दूजा भाग हाले शुरू ही किया, पहले ही पन्ने ते लिखा सी कि मेरे टेबल ते सिगरेट ते शराब पई है, हुण मैं लिख सकदा। बस फिर मैनू लग्या अच्छा ये किताब तो मशहूर आ, साला दो तीन महीने नाले पी गया दारू, नाले कश खिची गया, किताबां पढ़ी गया, शायद उस टाइम घट्टो घट 50 किताबां पढ़ दित्तियां। पढ़न दी स्पीड भी बहुत बन गई सी, हुण किताबां नाल नालों ज़्यादा चाह नशे दा होण लगा। तो फिर मैं सोचिया ये लिखण वाले तो सिर्फ दो तीन तरह के ही नशे करते सी, तां इन्ने मशहूर हो गए जां इन्नियां वधिया लिखता तां क्यों ना आपां हर तरह का नशा करिए ते उहदे ते ही लिखिए। ते बस फिर यही गल मन च सी, हुण शायद लिखण नालों भी वध चाह नशे दा होण लग गया सी। कालज लगे तां मैं जाया करां, रोज़ पुराने यार हाले आउण नहीं सी लगे। हाँ एक मुंडा मिलिया बहुत घेंट बंदा, वाइली सी पूरा, गल्लां बहुत घेंट सुनाउंदा सी, सोहना सुनखा भी पतंदर पूरा सी। असी गल्लां जिहां मारन लगे तां उहने कहा पी लैना भाई, मैं कहा हाँ जी, वह कहिंदा चलो फिर अज पी के ही गल्लां मारदे आं। मैं फिर भाई मन गया। सिखर दुपहरे रोज़ गार्डन च एक संघने रुख थले बोतल लैके बह गए, जिहदी छां बहुत ठंडी सी ते मिठी सी। एक एक पैग ला के मैनू इंज जापिया जिवें मैं अपनी महबूब दियां बाहां च आ गया होवां। बोतल लैके बह गए, उहने अपना अपने खर्चे ते ही लियांदी सी। पहला सी पीती, फिर उन्हें पता नहीं जेब विचों कोई पुड़ी जी कढ़ी, उहदे चों कुछ कढ़िया ते बुल्लां हेठ फसा लिया। मैं उन्हूं कहा बई ये तो भइए नहीं करते, मैनू कहता नशे किसी दे मिथे थोड़ी होए ने भी, ये पंजाबी करू ये भइया, बस करो जो भी मिलता, क्योंकि जिहड़ा दारू पींदा वह नशेड़ी आ, ते जे नशेड़ी बन ही गए तो यह की सोचना कि नहीं करना ये माड़ा ये चंगा, भी साला नशे च की माड़ा चंगा। मैनू भी इस गल च काफ़ी तर्क लग्या यार, हाँ नशे च की माड़ा चंगा। मैं फिर उसनू कहा लिया भाई, लवा फिरे की आपां भी लाइए। उन्हें दसिया कि आ नहीं इहनू कूल लिप कहिंदे आ, साली नशियां दा इनो आ, जिवें इनो 6 सैकंड च काम करदा ना उदा ही लाउण सार दस दिंदा। मैं कहा दिखा तो की शह यार, जद लाई सच्ची धर्म नाल रब जानता एडा झूठा, ना दारू पी के कदे आया सी ना सिगरट,
इन्हें तो लाउंदे सारी बीपी जी डाउन करता, पर कुछ अलग ही सी इहदे च, मैनू खुशी जी हुई। पर बोल खुले ना, चलो जो भी सी आपां नूं तीजा नशा मिल गया सी। बस फिर की सी, बाद च पता लग गया मेरे काम ते भी सारे गोले पलाउंदे आ। ਉਹ ਬਸ ਮੈਥੋਂ ਸੰਘ ਦੇ ਕੱਢਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਿਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਹੱਸੀ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ ਲਾ ਕੇ, ਬੁੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੁੱਲਿਆ ਨਾ ਕਰਨ, ਲੋੜ ਜਿਹੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਦਾਰੂ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਚੀ ਸਾਲੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਪੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੂਲਿਪ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੀਤ ਗੂਤ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੂਲਿਪ ਲਵਾਈ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਕੁਛ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਊਡਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੰਨੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਿਲਵਰ ਫੋਇਲ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਲਾਈਟਰ ਨਾਲ ਥੱਲਿਓਂ ਅੱਗ ਬਾਲੀ, ਉੱਤੇ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਭੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਡੱਟ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੰਨੀ 'ਤੇ ਭੂਰੇ ਜਿਹੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਨੀ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਅੰਗੂਠਾ ਸਿੱਧਾ ਖਿੱਚਿਆ, ਥੱਲੇ ਲਾਈਟਰ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨੋਟ ਜੇ ਦੀ ਪਾਇਪ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਯਾਰ ਧੂੰਆਂ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਲੰਘਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਹ ਕੱਢਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਾਂ ਫੁੱਦੂ ਨਸ਼ੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸਲੀ ਸਮਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਇਹਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਿੱਟਾ। ਚਿੱਟਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰ ਇਹ ਕੁਝ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੂਲ ਲਿਪ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਿਫਾਫੇ 'ਤੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਐਡਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਾ ਲਾਓ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਜੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਸਾਲਾ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੋਰ ਨਹੀਂ, ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸਿਰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਰਗਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਦ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਬਾਹਲਾ, ਬਸ ਨੱਕ ਖੁਰਕੀ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਬੁੱਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕੂਲ ਲਿਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਰ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖ ਰਹੇ, ਨਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਮਾਨ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਯਾਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਮਾਨ ਲਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਸੀ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ 'ਤੇ ਤਰਸ, ਬਸ ਸਮਾਨ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ।
ਜਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲਵਾ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੋਂ ਡੋਡਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਫੀਮ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੂਲਿਪ ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰੇ ਫੜ ਲੈਣੇ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿਰਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਭੰਗੜੇ ਵਾਲੇ ਆਈ ਲੈਣ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਬੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਹੁਣ ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨਗੇ। ਓਏ ਸਾਲਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮਨ 'ਚ ਸਕੀਮ ਆਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਬਣ ਜੀ ਓਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੜਨਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦਾਦੂ ਵੀ ਮਾਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਇੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਾਗਲ ਸੀ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ 'ਤੇ 1000 ਪੋਸਟਰ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦਾ। ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਖੁਲਵਾ ਲਿਆ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਸੀ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਥ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ MLA ਤੋਂ ਹਾਰ ਪਵਾ ਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਹੀ ਆਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਲਾ ਬਾਪੂ ਉਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਉਈ ਚੰਗੇ ਜਿਹੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਈ ਗਈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਲਿਖੀ ਗਏ ਸੰਗ ਪਾੜੀ ਗਏ ਆ ਲੋਟਾ ਕੰਮ, ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਥੱਲੇ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੋਲ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵੀ। ਇਹ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਜਿਹੀ ਬਾਹਲੀ ਰਾਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਲਾ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਵਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੀ, ਐਬ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਵੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੋ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਲਾ ਇਕੱਲਾ ਚਿੱਟਾ ਕਾਹਨੂੰ ਹਟਦਾ ਸੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਹਦਾ ਬਣ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਰੀਏ, ਫੋਕੀ ਹੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਲਾ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇ ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਸ। ਉਈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਘੂਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ, 10-15 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਗੇੜਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ MLA ਹੀ ਬਣਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸਮਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਕੁੱਟ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਦੇਤਾ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਕੀ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਗਿਆ।